नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल हरिओम स्टडी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा नवीं का गणित अभ्यास चार प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 में पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, जबकि y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है और ये तीसरा ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देख लेते हैं, एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल मीन्स जिसके, यानी ये जो समीकरण दिया है इसके केवल एक हल होंगे, केवल दो हल होंगे। तो केवल दो हल का मतलब कि x के दो ऐसे कौन से मान हैं जिनके समीकरण जीरो होते हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब, जैसे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, रफ पे चलेंगे और सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। y बराबर 3x प्लस 5 दिया है, हमें y का मान ज्ञात करना है। तो जब x के स्थान पर मान लीजिए एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो x के स्थान पर सबसे पहले 1 रखेंगे तभी तो y का मान प्राप्त होगा हमें। तो y बराबर 3 × 1 + 5, तो y बराबर 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 + 5 और y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब जब 2 रखेंगे x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 3x प्लस ये हमारा समीकरण है और y बराबर यहाँ पे लिख देंगे 3 × यहाँ पे 2 है, x के स्थान पे 2 रखेंगे तो प्लस का 5, y बराबर 3 × 6 प्लस 5, y बराबर 11, ठीक है। y बराबर हमारा कितना आ गया है 11। तो आप देख सकते हैं x के स्थान पे 1 रखने पर हमारा कितना आया है 8 आया है, ठीक है, कितना आया है 8। और फिर x के स्थान पे 2 रखे हैं जब तो कितना आया है 11। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि x के स्थान पे कुछ भी संख्या दूसरी रखेंगे तो हमारा एक नया y का मान आ जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा क्या होगा, सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं इस समीकरण का। इस प्रकार से हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिए, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरे में 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसमें से 1 पॉइंट मैंने ले रखा है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4-4 हल ज्ञात कीजिए। इसका 4-4 हमको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो x के स्थान पर कुछ रखेंगे, कोई अंक रखेंगे उसके बाद तभी तो y का मान आएगा। तो इसका 4-4 हल ज्ञात करना है, y का मान नहीं ज्ञात करना है हमें, 4-4 हल करना है। तो x का मान सबसे पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 0 रख सकते हैं या 0 पहले रखें उसके बाद 1 रखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सबसे पहले रखना चाहते हैं। उसके बाद 2 रख सकते हैं, फिर 3 रख सकते हैं, ठीक है, फिर 3 रख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए 0 को ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, दिया गया समीकरण, क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण, और यहाँ पे हमारा समीकरण क्या है 2x + y = 7, ठीक। इसको समीकरण चाहे तो 1 मान ले, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे
समीकरण एक में, समीकरण एक में यक्स का मान जीरो रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण एक में जीरो का मान, सॉरी यक्स का मान जीरो रखने पर, तो जीरो रख लेते हैं, जहाँ जहाँ यक्स है, यक्स एक ही स्थान पे है तो यक्स के स्थान पे जीरो रखेंगे, इनटू ब्रैकेट में जीरो प्लस वाई बराबर सात, यही है। उसके बाद जब ब्रैकेट टूटेगा, दो से गुणा होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, जीरो प्लस बराबर सात। तो अब जीरो इधर जाएगा तो भी वही माइनस में होगा और कोई अंतर नहीं होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे वाई बराबर सात, ठीक है। ये हमारा पहला हल हो गया। दूसरा हल इसी प्रकार से एक रखेंगे या दो रखेंगे या तीन रखेंगे, कोई भी संख्या आप रख सकते हैं और इसी प्रकार से दूसरा हल कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा हल करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो दूसरा जब हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे कि अब, ठीक है, अब समीकरण एक में, समीकरण एक में यक्स का मान एक रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में यक्स का मान रखने पर, जीरो तो हम लोग रख लिए थे, अब एक रखेंगे, तो हमारा समीकरण क्या है, टू यक्स प्लस वाई बराबर सात, यही तो है। तो यहाँ पे गुणा यक्स के स्थान पर एक प्लस वाई बराबर कितना आ गया, यहाँ पे सेवन। तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा होगा, दो एक कम दो हो जाएगा, प्लस का वाई बराबर सात, ये वाई प्लस का दो प्लस का इधर बराबर के इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का दो, और इस तरह से y बराबर सात में से दो घट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, पाँच, इस हो गया। फिर तीसरा हल करेंगे तो यहाँ पे फिर लिखेंगे कि अब समीकरण एक में, अब कोई दूसरा मान रखेंगे, दो रख लेंगे, ठीक, या तीन रख सकते हैं, तो हम दो ही रखते हैं। एक में यक्स का मान दो रखने पर, ठीक है, यक्स का मान दो रखने पर, तो हमारा समीकरण टू यक्स प्लस वाई बराबर कितना है, सात, यही है ना। तो टू हो जाएगा यहाँ पे इनटू, और यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, दो प्लस वाई बराबर सात। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा दो दुना के चार हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट टूटेगा तो दो दुना के चार प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, सात। तो प्लस वाई बराबर, ये प्लस का चार है, बराबर किस तरफ जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, चार। उसके बाद वाई बराबर चार में से सात घट जाएगा, सॉरी चार में से सात घटेगा, सात में से चार घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तीन। ये इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद तीन हल कर लिए हैं, अब चौथे हल की तरफ चलते हैं, देखते हैं चौथा हल क्या इससे होगा। फिर उसी तरह से सेम वही रूल, वही तरीका, वही टेक्निक, फिर लिखेंगे कि अब समीकरण एक में यक्स का मान अब क्या रखेंगे, तीन, ठीक है, अब तीन रखने पर। आप सोच रहे हैं कि क्यों ना यक्स का मान कुछ और रख सकते हैं, तो आप ठीक सोच रहे हैं, यक्स का मान कुछ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो माइनस दो रखें या माइनस एक रखें या माइनस दस रखें या माइनस चार रखें, कुछ भी रख सकते हैं, या छः रखें, जो आपके समझ में आए वो रख सकते हैं, ठीक। तो जब तीसरा हल करेंगे तो लिखेंगे कि
कि अब समीकरण एक में x का मान 3 रखने पर, ठीक, यहाँ पे हमारा समीकरण हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 7, ये हमारा समीकरण है और x का मान हम रख रहे हैं 3, तो 2 इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पे 7। अब ब्रैकेट टूटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 दुना के 6 प्लस वाई बराबर 7, वाई 6 इधर प्लस का है बराबर किस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, 7 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा वाई बराबर कितना बचेगा हमारा 1, ये हो जाएगा इसका चौथा आंसर। यानी प्रश्न नंबर दूसरे में पहला पॉइंट लेकर के उस पहले पॉइंट का 4 हल हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, तो दोस्तों लास्ट में आप लिखेंगे अतः समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 में रखने पर, पहले आप रखे हैं x बराबर 0, ठीक, x बराबर 0 पर y बराबर 7, यानी x का मान 0 रखने पर y का मान हमारा कितना आया है 7। दूसरा x बराबर 1 पर y बराबर 5, यानी x का मान 1 रखने पर y का मान 5 आया है। x बराबर 2 रखने पर y का मान कितना आया है 3। x बराबर 3 रखने पर y का मान हमारा कितना आया है 1 आया है। तो इसे आप लिख सकते हैं उत्तर यानी आंसर, और इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर दूसरा का पॉइंट 1 सॉल्व हो गया। उसी प्रकार से आप बची हुई 2 पॉइंट को आप सॉल्व कर सकते हैं इसी रूल से, सेम इसी रूल से वो अभी सॉल्व होंगी। और चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या है और कैसे सॉल्व होगा। तो प्रश्न नंबर तीसरा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे बुक में आप देख लीजिए, प्रश्न नंबर तीसरा यहाँ पे है, ये बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट 2, 0, 2, दूसरा पॉइंट 2, 0, तीसरा पॉइंट है 4, 0 और चौथा पॉइंट ब्रैकेट में कर्णी में 2, 4 कर्णी में 2 ब्रैकेट बंद है, पांचवा पॉइंट 1, 1 है। तो इसमें से हम पहले पॉइंट को ले लिए हैं और इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बुक को रख देंगे साइड में और इसे हम x मानेंगे और इसे ये हमारा y है, इसे हम कोटि कहते हैं, ठीक है, y को कोटि कहते हैं और x को भुज कहते हैं। तो x के स्थान पे 0 रखेंगे और y के स्थान पे 2 रखेंगे, और रखने के बाद अगर दोनों पक्ष हमारा समान आ जाए यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाए तब इस समीकरण का हल हल होगा ये, यानी कहेंगे कि इसको समीकरण में रखने पर हल है, अगर नहीं होगा तो हल हमारा नहीं होगा, यानी दोनों पक्ष बराबर, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, यानी जब दोनों साइड बराबर हो जाएगी तो इस समीकरण का हल ये है, अगर नहीं होगी तो हल इसका नहीं होगा। चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सबसे पहले माइनस 2y बराबर कितना है हमारा यहाँ पे 4 है, x के स्थान पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे x है और यह y है मान लीजिए, यहाँ पे 2y के स्थान पे क्या है हमारा 2 रख लेंगे, बराबर का कितना हो जाएगा 4, उसके बाद 2 दुना के कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, 0 से कुछ नहीं मतलब है और यहाँ पे 4 हो गया। तो आप ये कहेंगे कि दोनों 4 हैं, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए
कि यहाँ पे प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसे हम कह सकते हैं एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। ये दोनों साइड बराबर हमारा क्या है, नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इस समीकरण का हल ये नहीं है। इस प्रकार से आप प्रश्न तीसरे के पॉइंट चार जो बचे हुए हैं उसको आप कर सकते हैं सेम इसी रूल से, इसी तरीके से उसमें। तो तीसरे प्रश्न का पहला पॉइंट हम लोग ने सॉल्व कर लिया, और इसी प्रकार से आप तीसरे प्रश्न में बचे चार पॉइंटों को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम यही रूल, यही तरीका उस प्रश्न में भी लगेगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर चार क्या है और कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर चार है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि यक्स बराबर दो वाई बराबर एक समीकरण दो यक्स प्लस थ्री वाई बराबर के का एक हल को, ठीक। ये जो यक्स बराबर दो और वाई बराबर एक दिया है, यक्स के स्थान पे दो रखेंगे यक्स का मान, और वाई का मान एक है तो एक वाई के स्थान पे एक रखेंगे और के का मान ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू और यहाँ पे इनटू ब्रैकेट में दो लिख देंगे, प्लस दो। दो इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि यक्स है और यक्स का मान हमारा प्रश्न क्या दिया है, दो। और यहाँ पे थ्री और इनटू ब्रैकेट में वाई का मान हमारा यहाँ पे दिया है एक, तो एक लिख देंगे बराबर का के। उसके बाद जब ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा होगा, दो दूना के चार हो जाएगा, प्लस तीन एकम तीन हो जाएगा, बराबर के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चार और तीन को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, बराबर का के, यानी के बराबर सात। ये हमारा के का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 4.2 द एंड, यानी प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी आने वाली अगली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।